मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और लोकसभा चुनाव का आगाज यहां पर हो चुका है, जिसमें यहां जिला प्रशासन के द्वारा जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ में यहां पर अहम वार्तालाप किया गया। यहां पर जिस प्रकार से जितने भी सोशल मीडिया के सितारे हैं उनको किस प्रकार से मतदाताओं को जागरूक करना है, मतदाताओं को अपने मत के प्रयोग के लिए किस प्रकार से आगे लाना है, उसकी जवाबदारी यहां पर दी गई है, जिसको लेकर आज संभागायुक्त दीपक सिंह और कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा निगम के और जिला प्रशासन के तमाम अफसरों ने यहां पर सभी के साथ में बैठकर चर्चा की, जिसमें यही बताया गया है कि खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र और इंदौर के शहरी क्षेत्र में किस प्रकार से जो मतदाता है उन मतदाताओं को यहाँ पर जागरूक करना है, घर से निकाल कर उनको मतदान केंद्रों तक पहुँचाना है ताकि वो अपने वोट का प्रयोग कर सकें, और उसी को लेकर यहाँ पर अलग अलग प्रकार से उनको जागरूक करने के लिए रील बनाने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, व्यवस्था दी गई है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की पहुँच में वो लोग जरूर होते हैं, क्योंकि छोटी छोटी जो रील होती है उनको यहाँ पर लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं। उसी को लेकर यहाँ पर एक अहम जानकारी दी गई, जिसमें यही बताया गया है कि सभी लोगों को यहाँ पर जो भी 18 साल से अधिक उम्र के हैं, जो यहाँ पर वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, उनको यहाँ मतदान करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप मतदान करेंगे और एक साफ स्वच्छ छवि की जो सरकार है उसको चुनने में यहाँ पर भागीदारी निभाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से जो मतदान होता है, जो वोटर होता है, वो कहीं ना कहीं सरकार के बीच के एक सेतु का काम करता है, ताकि यहाँ पर एक स्वच्छ और अच्छी निर्मल सरकार चुन के आ सके, जो यहाँ पर ऐसे निचले लोगों का यहाँ भला करे, उनकी जो नीड होती है उसकी व्यवस्था करे। उसी को लेकर यहाँ पर यह जो एक बड़ी जवाबदारी इनको दी गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें और मतदान का प्रतिशत बढ़े, क्योंकि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव था तो विधानसभा चुनाव में इस प्रकार का जो मतदान प्रतिशत निकल के आया था तकरीबन 70% के आसपास का मतदान का प्रतिशत रहा था, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में जो मतदान का प्रतिशत है वो 75% से अधिक का लक्ष्य यहां पर जिला प्रशासन ने रखा है। जिस प्रकार से जो राज्य निर्वाचन आयोग है, केंद्र निर्वाचन आयोग है, उनके जो नियम है और उनके जो निर्देश है उसी का पालन यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, और लगभग सभी सोशल मीडिया के सितारों को यहाँ पर व्यवस्थाएँ दी गई है, जो और यहाँ पर एक टास्क दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर या ये सब चीज़ें बनाकर और जो यहाँ पर मतदान के लिए जो यहाँ अपील करना है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी जवाबदारी उन लोगों को सौंपी गई है। इस वक्त इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।